हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है चैप्टर बायोलॉजी का। आज अपने इस सेशन में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो बच्चों 1 नंबर में आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बड़ा क्वेश्चन जब आता है तो आपको उस पूरा जो चैप्टर आप जितना भी मैटर पढ़ते हो तो उससे आप ईजिली कर लेते हो। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है और नंबर जो कटते हैं बच्चों के, वो छोटे क्वेश्चंस में कटते हैं। तो इस चैप्टर के जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपने, वो आज अपने डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लगातार जो ये वीडियो अपलोड की जाती हैं इनसे रिलेटेड जो नोट्स होते हैं वो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने आज के जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मानव का दंत सूत्र लिखो, ह्यूमन का टीथ फार्मूला। अब टीथ फार्मूले के अंदर आपको 2 तरह के फार्मूला बताए थे मैंने दंत सूत्र में। एक तो वयस्क व्यक्ति का, वयस्क मानव का बताया था, जिसमें अपने ये लिखा था 2 1 2 3 2 1 2 3 और इधर मल्टीप्लाई से 2 से किया था और टोटल जो नंबर है टीथ का वो बनता है 32। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दूध के दांतों का दंत सूत्र तो फिर था 2102 2102 × 2। तो ये दूध के दांत जो होते हैं ये 20। ये सबसे पहले वाले जो हैं ये अपने इंसीजर्स हैं, उसके बाद कैनाइन्स हैं, फिर प्री मोलर्स हैं और मोलर्स हैं। और वहीं बताया था कि ये जो भाग है ऊपर वाला, ये आधा जबड़ा, ऊपर वाला जो अपना आधा जबड़ा है वो है, ये नीचे वाला आधा जबड़ा है। और आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हो तो ऊपर वाला पूरा जबड़ा हो जाएगा और नीचे वाला पूरा जबड़ा हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, दांत का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? कौन सी कोशिकाएं हैं जो दांत से रिलेटेड जो संरचनाएं हैं, डेंटिन जिसका दांत बना होता है उसका निर्माण करती हैं, तो उन कोशिकाओं को कहा जाता है ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। तो 2 तरह से क्वेश्चन बनता है, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं का क्या कार्य है, यह आपसे पूछा जा सकता है। दांत का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का नाम लिखो, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है एपिग्लोटिस का क्या कार्य है। सबसे पहले तो एपिग्लोटिस क्या होता है ये बताया था। श्वास नली के ऊपर एक ढक्कनुमा संरचना पाई जाती है। श्वास नली का जो द्वार होता है उसको अपने ग्लोटिस कहते हैं। उस ग्लोटिस को ढकने वाली एक संरचना जिसको गांठी डापण कहा जाता है, ये भोजन को श्वास नली में प्रवेश को रोकता है। तो एपिग्लोटिस का उसका क्या काम है, ये बच्चों आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका क्या काम होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है HCl का स्राव करने वाली कोशिकाओं का नाम। ये HCl का स्राव जो है ये स्टमक, अमाशय में होता है। अमाशय में बताया था एक तो HCl का स्राव करने वाली कोशिकाएं होती हैं और कुछ एंजाइमों का स्राव करने वाली कोशिकाएं होती हैं। HCl का स्राव करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का नाम आपको याद होगा, तो बताया था मैंने ऑक्जेंटी कोशिकाएं बोलते हैं उनको, या इनका एक और भी नाम होता है, इनको पेराइटल कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो 2 नाम हुए इनके, एक तो इनको कहा जाता है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक सेल्स, और दूसरा इनका एक और नाम होता है पेराइटल सेल या बीतीय कोशिका भी बोलते हैं। हिंदी में इनको अम्लजन कोशिकाएं भी कहते हैं। तो कोई भी नाम मिल सकता है आपको, ऑक्जेंटिक कोशिका, पेराइटल कोशिका, बीतीय कोशिका, अम्लजन कोशिका, ठीक है। तो याद रखना। साथ ही साथ यही बताए थे HCl के काम याद होने चाहिए आपको अच्छे तरीके से। और सबसे खास HCl का जो काम था, एक तो भोजन को ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और दूसरा काम बच्चों आपको बताया था कि जो पेप्सिनोजन होता है अक्रिय एंजाइम अमाशय में, उसको ये सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है चीफ कोशिका। अब ये चीफ कोशिकाएं जो हैं ये भी अमाशय से संबंधित हैं। इनके द्वारा स्रावित होने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखो। तो चीफ कोशिका द्वारा स्रावित होने वाले 2 एंजाइम कौन कौन से हैं? एक तो भी मैंने नाम बोला था पेप्सिनोजन, ये वही पेप्सिनोजन है जिसको HCl सक्रिय पेप्सिन में बदलेगा, ये अक्रिय होता है। और दूसरा बच्चों में प्रोरेनिन, ये भी अक्रिय होता है, इसको भी HCl सक्रिय फॉर्म के अंदर बदलने का काम करता है। ठीक है। तो चीफ कोशिका द्वारा स्रावित होने वाले ये 2 एंजाइम हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। साथ ही साथ चीफ कोशिका का एक और भी नाम होता है बच्चों, इसको जाइमोजन कोशिका भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना, जाइमोजन सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर अपना, वो है पेयर के समूह, पेयर ऑफ पैचेज, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो याद करो बच्चों, जब अपने कर रहे थे छोटी आंत की ओतिकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओतिकी कर रहे थे, तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने 3 भाग पड़े थे, जिसमें अपने एक पड़ा था सबसे पहला ड्यूडेनम, फिर बीच में जेजुनम और फिर पड़ा था इलियम। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो इलियम की म्यूकोसा लेयर है, इलियम की म्यूकोसा लेयर में वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं कुछ जो लसीका कोशिकाएं हैं, वो समूह में या एकल रूप से पाई जाती हैं, लसीका ग्रंथियाँ, उनको अपने कहा था पेयर पैचेज। ये आपको जहाँ हिस्टोलॉजी की है उसका डायग्राम बना है तो वहाँ स्पष्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उनको पेयर पैचेज बोलते हैं और इनका काम लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करना होता है, ये भी आपको बताया था। ठीक है, तो आप याद रखोगे पेयर ऑफ पैचेज कहाँ पाए जाते हैं, तो इलियम जो है उसकी म्यूकोसा लेयर में ये लसीका ग्रंथियों के या लसीका कोशिकाओं के समूह होते हैं, उनको पेयर ऑफ पैचेज कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला 7 नंबर क्वेश्चन, ब्रूनर की ग्रंथियों का क्या कार्य है। ये ब्रूनर की ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, ये भी आपको बताया था। ब्रूनर की ग्रंथियाँ याद होगा आपके कहाँ पाई जाती हैं, ये आपको बताया था कि जो ड्यूडेनम पार्ट होता है छोटी आंत का, उसकी सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती हैं, अतः श्लेष्मिका में प्रेजेंट होती हैं, और ब्रूनर की ग्रंथियों का काम होता है श्लेष्मा का स्त्राव करना और साथ ही साथ बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 कुछ मात्रा में ये बाइकार्बोनेट्स आयन का स्त्राव करती है। आपको मेनली जो याद रखना है वो याद रखना है कि ये श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों के नाम लिखो। सबसे पहले तो मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 पेयर्स स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, नाम इनके आपको याद होंगे। एक बताया था पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी या इसको सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, दूसरे प्रकार की ये थी, और तीसरा जो था वो थी सब लिंगुअल अधोजिह्वा, हिंदी में नाम वहाँ बताए हुए हैं तो वहाँ देख लेना। पैरोटिड को कर्णपूरक बोलते हैं, सब मैक्सिलरी जो है इसको अधोजंब कहते हैं, अगर सब मैंडिबुलर लिखा होगा तो अधोहनु कहते हैं इसको, और सब लिंगुअल जो है इसको अधोजिह्वा कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला जो है वो है डक्ट्स कोलोडोकस क्या है। डक्ट्स कोलोडोकस इंपॉर्टेंट, डक्ट कोलोडोकस एक वाहिनी का नाम है, और ये वाहिनी कौन सी होती है, कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है। और ये भी क्वेश्चन आपको डायग्राम एक बनाया था अपने, जहाँ आपने लिवर पेनक्रियाज का छोटा सा डायग्राम बनाया था, वहाँ बताया हुआ है डक्ट्स कोलोडोकस के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, कुफुर कोशिकाओं का क्या कार्य है। कुफुर सेल्स जो हैं उनका क्या काम है। सबसे पहले तो कुफुर कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती है बच्चों, कुफुर कोशिकाएँ पाई जाती हैं लिवर में, यकृत में पाई जाती है कुफुर कोशिकाएँ। कहाँ स्थित होती हैं, जो उनकी अरियाँ पक्तियाँ होती हैं, इसकी संरचना देखी थी अपने लिवर की जब हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे उसकी, तो बीच में जो खाली स्थान जिनको साइनोसॉइड्स बोलते हैं, वहाँ पर शिरापात्र बोलते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और इनका काम होता है कुफुर कोशिकाओं का जो डेड RBC होती है, डेड RBC का विघटन करना, उनको नष्ट करना। और RBC में आप जानते हो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जब RBC टूटेगी तो हीमोग्लोबिन टूटेगा, और हीमोग्लोबिन के टूटने से 2 पित्तवर्णक बनते हैं, एक बनता है बिलीरुबिन और दूसरा बनता है बिलीवर्डिन, ये भी आपको यहाँ याद हो जाएगा। ठीक है, तो कुफुर कोशिकाओं का कार्य है मृत RBC का भक्षण करना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ग्लूकेगॉन व इंसुलिन का स्त्राव करने वाली कोशिकाएं। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ग्लूकेगॉन और इंसुलिन जो है ये अग्नाशय ग्रंथि का स्त्राव होता है, और अग्नाशय ग्रंथि में 3 तरह की कोशिकाएं बताई थी, अल्फा, बीटा, तीसरी गामा या डेल्टा। तो जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकेगॉन का स्त्राव करती हैं, जो बीटा कोशिकाएँ होती हैं वो इंसुलिन का स्त्राव करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम लिखो। प्रोटीन पाचक का मतलब है प्रोटीन का पाचन करने वाले जो एंजाइम हैं, उनमें 2 प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम था पेप्सिन। ओके, और छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों जो हैं ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज एंजाइम का क्या काम है? लाइपेज एंजाइम का काम आपको पता है बच्चों, ये वसा का पाचन करता है। और कौन सी वसा का मुख्यतः पाचन करता है? ये पायसीकृत वसा का पाचन करता है। और पायसीकृत वसा को पाचित करके ये वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल या यहाँ मोनोग्लिसरीहाइड लिखा हुआ मिल सकता है आपको। और मोनोग्लिसरीहाइड का मतलब बताया था, अगर ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड वसीय अम्लों की एक चैन प्रेजेंट हो तो उसको मोनोग्लिसरीहाइड लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, पित्त रस का पाचन में क्या योगदान है? मैंने आपको बताया था कि पित्त रस में, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये पाचन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पित्त रस का निर्माण कौन करता है? पित्त रस का निर्माण करता है लीवर, यकृत, लेकिन इसको स्टोर करके कहाँ रखा जाता है? पित्ताशय में। तो दो क्वेश्चन तो आपके यही कवर हो गए। अब पित्त रस का काम क्या है पाचन में? तो पित्त रस में एंजाइम कोई है नहीं तो डाइजेशन में तो हेल्प करेगा नहीं डायरेक्टली तो, लेकिन इनडायरेक्टली ये क्या काम करता है? पित्त रस जो है ये वसा का पायसीकरण करता है। इसमें पाए जाने वाले जो पित्त लवण होते हैं, लेसिथिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके कारण ये वसा की बड़ी बूंदों को वसा की छोटी बूंदों में तोड़ने का काम करता है। और वसा की इन छोटी बूंदों को बोलते हैं पायसीकृत वसा। और इसी पायसीकृत वसा का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो पित्त रस जो है वो वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण आपको बताया डिटेल में क्या होता है, तो ये छोटी बूंदों में तोड़ने का काम करेगा बड़ी बूंदों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेरोकाइनेज हार्मोन का क्या काम है? एंटेरो भी लिखा हुआ मिलता है इसको, या एंटीरो मिलेगा। एंटेरोकाइनेज हार्मोन का क्या काम है? तो याद करो बच्चों, जो ट्रिप्सिन एंजाइम था, तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो जब स्त्रावित होता है तो एक्रिय फॉर्म के अंदर होता है। और कौन सा? ट्रिप्सिनोजन के रूप में प्रेजेंट होता है। और ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर बदलने का काम जो है छोटी आंत में, वो कौन करता है? एंटीरोकाइनेज करता है। तो एंटीरोकाइनेज का काम है अक्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर बदलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो पर्नीशियस एनीमिया जो है ये होता है विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काइलोमाइक्रोन क्या है? तो बच्चों काइलोमाइक्रोन जो है ये एक तरह के लिपोप्रोटीन होते हैं। आपको बताया था कि जब वसा का पाचन होता है तो वसा के जो वसीय अम्ल और मोनोग्लिसरीहाइड हैं ये अपनी जो SCR होती है उसमें प्रवेश करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, जहाँ इनको बदला जाता है ट्राइग्लिसरीहाइड के अंदर। और इन ट्राइग्लिसरीहाइड के चारों ओर प्रोटीन के अणु व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी बीच में तो वसा होती है फैट ट्राइग्लिसरीहाइड के फॉर्म में, और इनके चारों ओर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उस संरचना को कहा जाता है काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन एक्जोसाइटोसिस विधि द्वारा, बही कोशिका लयन विधि द्वारा लसिका में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, PEM रोगों के नाम लिखो। PEM क्या है सबसे पहले तो पता होना चाहिए, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो ये दो रोग थे, ये 10वीं में पढ़े हैं आपने, पहला क्वाशियोरकोर और सेकंड नंबर पर था मेरेस्मस। ठीक है, तो ये दो रोग आपको याद रखने हैं, ये PEM रोग भी इनको बोलते हैं। इनका पूरा नाम भी बता दिया, PEM क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, विटामिन D की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन D की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेटस। ओके बच्चों, तो ये थे वेरी शॉर्ट आंसर के लिए आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आप भी जानते हो, लेकिन ये 20 क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं अपने इस चैप्टर में से एक एक नंबर के लिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।